हमारी नेक्स्ट कंटेस्टेंट है जी, इनका नाम है, एक लफ्ज अच्छा इस्तेमाल किया सुनिए, रज के पढ़ना है। हां फिर ये कोई रस्मि थोड़ी हो रहा है भाई, हबीब की कार है, कोई मजाक थोड़ी, और ये आपा बैठी है इधर। सही बात है, सही बात है। अब जो हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट है जी, इनका नाम है हुमैरा खान, और हुमैरा खान हैदराबाद से आई हैं कराची, और यहाँ से इंशाल्लाह ये अभी हमें कुछ समातों में बिस्मिल्लाह कीजिए। आइए जी हुमैरा। रब कर के मोहम्मद पे नजर बोल रहा है, अब दिगर बोल रहा है, रब कर के मोहम्मद पे आ जाइए हुमैरा। अब हम लेते हैं जजेस से रिमार्क्स। आज मेरी बहन आ जाओ जी। अच्छा, बड़ा मैं प्लीज अगर बोलूं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये क्लियरली बताना चाहता हूँ, कमजोर आप भी, कमजोर आपसे पहले पढ़ने वाली दोनों हैं, मतलब कोई मुझे कोई खास इसमें कहते हुए वो नहीं हो रही कि पिछले वाली को हमने बहुत अच्छा कह दिया और आपको, दोनों कमजोर हैं पढ़ने में, जगह लेने में भी, आवाज के मामले में भी। बहुत बहुत अच्छी अच्छी पढ़ने वाली हैं जो कि पढ़ रही हैं, दिखा रही हैं अपना, तो हम उसके मुकाबला करते हुए बैलेंस रखते हुए चीज़ें आपको बताएंगे। आप क्या कहेंगे सर? मैं, मुझे तो मतलब ही समझ में नहीं आया, मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आया कि मतलब है क्या। अच्छा अंतरा क्या था? अंतरा क्या था बेटा? घबरा के नहीं पढ़ो, बहुत इत्मीनान से पढ़ो। से पढ़ा मगर अंतरा समझ में आया? घबराओ नहीं, दोबारा सुनो। मांगी जो गवाही, क्या गवाही का, गवाही का था ना, मांगी जो मोहम्मद से रिसालत की गवाही, लो अर्श पे शक हो के कमर बोल रहा है, लेकिन मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आया। मतलब तैतुलस पढ़ो ना, क्या है? नहीं नहीं, तैतुलस में, तैतुलस में पहला शेर पढ़ो, क्या था? रब करके मोहम्मद से, रब करके मोहम्मद पे नजर बोल रहा है, रब करके मोहम्मद पे नजर बोल रहा है, दूसरा मिसरा, रब करके मोहम्मद पे नजर बोल रहा है, आगे 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 नजर बोल रहा है, ये मफहूम समझ में नहीं आ रहा, मफहूम समझ में नहीं आ रहा, या नजर बोल रहा है, रब करके मोहम्मद पे नजर बोल रहा है, आगे आगे, अब ऐसा ना बनेगा, दीगर बोल रहा है, अब ऐसा नहीं बनेगा, दीगर बोल रहा है, अब ऐसा ना बनेगा, दीगर बोल रहा है,
दी गई दूसरा दूसरा अच्छा ये मतलब अब भी समझ में नहीं आया ऐसा बने गाना दिगर बोल रहा है अब ऐसा बने गाना ना दिगर बोल रहा है थैंक यू अच्छा तो ये बात बड़ी अच्छी समझ में आ गई ना फसी भाई फिर कि अगर आपको नसर नहीं समझ आ रही तो नज़म कैसे समझ आएगी हां बताओ ये अल्फाज के ऊपर बच्चों को काम करना पड़ेगा जाहिर है बच्चों को अपने अल्फाज बनाने पड़ेंगे आप लोग मुस्कुरा रहे हैं और सही लग नहीं बेटा एक काम करो मैं इल्तमास करूंगा अगर दो मिनट में एक दफा ये सुना दो देखो तुम्हारा हक बनता है हम ये नहीं चाहते तुम्हारी हौसला शिकनी हो प्लीज एक अंतराल दरमियान में इसी को जो भी बोला है इसी को करना ओके आराम से जैसे अभी आपने पढ़ा ना सुकून सुकून से मांगी जो मोहम्मद से रिसालत की गवाही ठीक है और रहते हैं तो इसलिए मैं जी आपा आवाज़ उनकी बहुत अच्छी है मुझे अंतरा भी इनका बेहतर लगा कलाम अच्छा इंतखाब करती हैं कलाम का अच्छा इंतखाब हुआ और आगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह अहमद आपने कमेंट दे दिया आपने भी दे दिया फसी भाई ने भी दी सिद्दीक भाई ने भी दे दिया बिलाल भी जल्दी से क्योंकि वक्त मुख्तसर आपको पता देखिए इसको खुद पता होना चाहिए कि मेरी आवाज़ की कैपेसिटी क्या है और मैं कितने सुर के अंदर हूँ अब इसने जो रिपीट किया है वो रिपीट करना गैर ज़रूरी था आपका क्योंकि आप पहले से बेहतर पहले मिसरे में पढ़ चुकी थी तो आपको खुद जज करना चाहिए अपने आप का मैं दूसरा मिसरा रिपीट करके क्यों खराब कर रही हूँ बात को सही जी सब्द भाई इनका वॉइस टेक्सचर बहुत अच्छा है लेकिन मैं ये कहता हूँ सिर्फ कि जितनी आपकी कमांड है उतना बोलें बस हमसा जगाएं सुर दोनों बहुत कमजोर थे कमजोर होने की वजह से बिल्कुल हिले हुए थे सलमान इतना ही मुख्तसर आपने जो बात बोली वही कि बहुत कच्चा लगा ऐसा लगा कि अबूर हासिल नहीं है इनको कलाम के ऊपर सही चलें बहुत शुक्रिया हुमैरा आपका